है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 4 वाई सी आ गया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस रूट टेन एक्स भी वाई सी आ गया। अब ये सेक्स स्क्वायर एक्स का मत, ये टू टू अंडर रूट टेन एक्स, ये 1 अपॉन ये वाला है ना, ऐसा है। ना ये कैसा है, वो आपने को नहीं कहा एलसीएम निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, राइट? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वन प्लस थ्री अपॉन फोर, तो 4 × 1 फोर प्लस थ्री अपॉन फोर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया टू, टू रूट टेन एक्स इधर आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, टू रूट टेन एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू रूट टेन एक्स। ओके फाइन, माइनस माइनस क्यों, देखो ये पूरी टर्म एक है, यहां से यहां तक पूरी एक टर्म है, पूरा टर्म पूरा क्या, पूरा एक है, पूरा एक है, तो पूरा एक है तो पूरे टर्म को एक लेना पड़ेगा ना, यहां से यहां तक पूरी टर्म एक है। ये देखो इसका मतलब हुआ ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, सबका मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये होगा मुझे कितना खुला खुला लिखना पड़ेगा, देखो है ना, ये दो टर्म अलग है, दो ही टर्म है तो दो टर्म अलग अलग दिखने चाहिए, दो टर्म अलग उसका, अगर मैं लिखूंगा सॉल्व करूंगा तो ये वाला मैं ऊपर लिखूंगा और ये वाला आगे वाला जो है ना पूरा प्लस करके नीचे की लाइन में लिखूंगा, तब जाके मेरा ये पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो एनीवे ये माइनस इधर लिखा, फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट वैसे के वैसे आ गया, दिस ब्रैकेट इज एज इट इज, फोर भी वैसे के वैसे आ गया, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी वैसे के वैसे आ गया, टू कॉस एक्स साइन एक्स या टू साइन एक्स कॉस एक्स है ना, टू कॉस एक्स साइन एक्स मतलब टू साइन एक्स कॉस एक्स वैसे की वैसे आ गया। अब अगली स्टेप, दिस इज लास्ट फाइनल। अब फाइनल क्या किया उन्होंने, देखो जितना इसका डिवाइड है वो एक एक साथ कर दिया, दो टर्म अलग अलग ही लिखे हैं, ये इसके ऊपर से समझ में आ रहा है, देखो ये माइनस साइन वैसे ही है, राइट? तो फिर दो टर्म अलग अलग ही, अब इसको वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसा ही रेस टू फोर, ऊपर जो रह रहा है ऊपर न्यूमरेटर जितने वो लिख रहे हैं, इधर का न्यूमरेटर टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ऊपर न्यूमरेटर लिख दिया, सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन है तो सारों का ऊपर का ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होगा, सारों का नीचे का नीचे का, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड, सो डिनोमिनेटर इज 2 इनटू 2 4 देन रूट टेन एक्स फर्स्ट एंड देन इनटू, दिस आर ऑल ऑल इनटू बिकॉज इट्स मल्टीप्लीकेशन, सो न्यूमरेटर के सारों का मल्टीप्लीकेशन एक साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर के सारों का मल्टीप्लीकेशन एक साथ लिख दिया, माइनस फोर, माइनस फोर बिकॉज फोर है ना। अब ये इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट किया साइन टू थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन की बात बोल रहा हूँ मैं, ये सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ता है, जो हमने सीखा है वो चीजें हमको उसमें डालनी पड़ती है, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, सो फोर वैसा ही इसकी ये ब्रैकेट की जगह पे आ गया साइन टू एक्स, ये ब्रैकेट आ गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस्ट एक्स क्यूब और ये ब्रैकेट इधर वैसे के वैसे आ गया नीचे, सो दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस टेन एक्स एंड दैट इज व्हाट इज द आंसर, राइट? इसको भी आगे और सिंप्लीफाई कर सकते, इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते, पर आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम समझ, देखिए ये प्रॉब्लम में हमको क्या सीख मिल रही है, प्रॉब्लम में सीख ये मिल रही है कि ये ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रॉब्लम रहेगी, चार मार्क के डेरिवेटिव 100% रहेगी 12th के थ्योरी पेपर में और नेट में भी और जेई में भी रहते हैं, है ना, इस तरह के नीट में नहीं सॉरी जेई में और सीटी में भी रहते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट? तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो देखते हैं, ओके चलो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, ओके फाइन, सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर इसमें ज्यादा टाइम नहीं कर सकते हम, अभी थ्री फोर जो भी है वो आपको थोड़ा मेरे बगैर बोले इन चीजों को करना पड़ेगा, देखो एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री का एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, बाकी आप कोशिश करो सॉल्व करने की, इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या किया उन्होंने वही बोला मैंने वापस, क्या अभी तक तो जो चीजें हमने सीखी है उसी को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ना। अभी ये कौन सा अलग, ये अलग प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ लॉक टू द बेस डिफरेंट है, लॉक का बेस डिफरेंट है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या किया मालूम, ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम कई कई जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा है। पहला दूसरा ये पांच छह प्रॉब्लम्स है, मैं ये बोल रहा हूँ क्या छह प्रॉब्लम्स को आपको अभी थोड़ा सा बढ़ के
मैं बोलूँगा तो होगा, अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा हम लेट हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये छह प्रॉब्लम्स भी, ये चौथा वो तो सॉल्व हो गए, थर्ड के हो गए, चौथे का एक है देखो यहाँ पे, ये भी, ये क्या है, वो कौन सा मेथड है, जी और जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स, ये भी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला क्या है। चौथा पांचवा छठा मैं आपको बताता हूँ, पहले ये तीन वाले का एक दो बता के मैं आपको सॉल्व करके, सो दैट वी कैन रश फाइनली टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में कितने प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए, मैं ऐसा बोला। ये एक्सरसाइज आज आपको लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा। चलो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पांचवा छठा सॉल्व करते हैं, एक एक करके बताता हूँ, तीसरे में से एक दो बताता हूँ, राइट, एंड देन विल मूव टू तीसरा का पहला देखते हैं, और इसके एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तीसरे का पहला देखते हैं, सो दैट इज लॉग टू द बेस 3 ऑफ लॉग टू द 5, लॉग टू द बेस 5 एक्स, राइट। अब मैंने जो बोला ना आपको, क्या बोला मैंने, ये इस तरह के प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, डीवाई बाई डी एक्स लेने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। देखो उन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया थोड़ा सा, क्या किया अभी, लॉग टू द बेस 3 लॉग टू द बेस 5, ये लॉग टू द बेस 5 जो है ना उसको चेंज कर रहे हो, लॉग टू द बेस को 5 को चेंज कर रहे हैं, लॉग टू द बेस है ना, लॉग लॉग एक्स कर रहे हैं उसको, है ना। तो लॉग टू द बेस अगर चेंज कर दिया तो लॉग टू द बेस 10 लॉग एक्स, वो फॉर्मूला क्या है, बेस चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, रिफा अरे बाबा माइक्रोफोन बंद रखो, बहुत आवाज आ रही है आपकी। ओके फाइन, अभी लॉग बेस चेंज का फॉर्मूला, राइट, लॉग लॉग टू द बेस ए ऑफ बी, अगर ऐसा है तो हम उसका लॉग टू द बेस 10 करने का कैसा कर सकते, लॉग टू द बेस लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ए, और ये दोनों बेस टू द बेस 10 हो गया, दोनों बेस मतलब अपना लॉगरिथम नॉर्मल लॉगरिथम में आ गए, मतलब ऊपर वाला वैसे ही रखने का, नीचे का वापस लॉग करने का, डिवाइड करने का, ये उसका फॉर्मूला है, बेस्ट लॉग के बेस चेंज करने का फॉर्मूला है, लॉग का बेस चेंज करने का फॉर्मूला, लॉग का बेस चेंज करने का फॉर्मूला, राइट। सो जस्ट कीप इन माइंड और लिख लो इसको, लॉग टू लॉग टू द बेस ए ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, और बेस दोनों का 10 है, राइट। तो ये इसको अप कर लिया। दूसरा दूसरा क्या किया उन्होंने, वापस लॉग का एक और एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, क्या, लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी को कैसा लिखते हैं, अपॉन रहेगा तो माइनस लिखते हैं, बराबर। तो दैट इज मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, राइट, जस्ट चेक इट। तो ये आ गया लॉग टू द बेस 3, मल्टीप्लीकेशन तो कोई कॉमन रहेगा दोनों को, मल्टीप्लीकेशन इसको भी है, मल्टीप्लीकेशन इसको भी है, तो लॉग सॉरी लॉग लॉग 3 तो इसको भी है और इसको भी है ना, लॉग ऑफ लॉग है तो लॉग 3 तो इसको भी रहेगा और इसको भी रहेगा, तो लॉग 3 यहाँ पे भी आएगा, वो लॉग एक्स माइनस लॉग 3 यहाँ पे भी आएगा, लॉग 5, देख लो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अलग टाइप है वही कंपाउंड ही है, पर कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड वाले इस्तेमाल करें, पहला क्या है सादा सिंपल कंपाउंड था, दूसरा क्या है कंपाउंड में मल्टीप्लीकेशन और थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम बड़े बड़े, तीसरा क्या है कंपाउंड शुरू करने से पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये हमको ये इस तरह के प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव शुरू करने से पहले थोड़ा सा, तो लॉग टू द बेस 3 ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग टू द बेस 3 लॉग 5, सो वाई इज इक्वल टू, वापस माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, देखो कितना घुमा घुमा के, पहला अलग किया फिर डिवाइड किया फिर डिवाइड से माइनस किया माइनस से फिर क्यों, वो देखिए समझ में आएगा, अब अलग किया, अब इसका क्या कर रहे हैं लॉग ऑफ ये वाला, वापस क्या कर रहे हैं बेस चेंज कर रहे हैं, है ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 बेस चेंज कर रहे, इसका वापस बेस चेंज किया, बेस चेंज कैसा करते जो बेस है उससे डिवाइड करने का, तो लॉग वापस 3, क्यों मालूम, क्यों डेरिवेटिव, ये बेस का डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो डेरिवेटिव के लॉग का डेरिवेटिव कौन सा लेते आता आसानी से, लॉग टू द बेस 10 है हमारा फॉर्मूला जो है,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, वो कौन सा फॉर्मूला है? लॉग टू द बेस 10 है। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 अपॉन एक्स, बराबर ना? ये अपना फॉर्मूला है, पर यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, ये 10 है। तो ये 10 तभी मैं डेरिवेटिव तभी ले पाऊंगा जब मेरा ये जो है ना 3 4 5 ये नहीं चाहिए मेरे को, तो ये 3 4 5 मेरे को हटाने पड़ेंगे सब। तो हटाने के लिए जो फॉर्मूला है वो सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे लॉग के, लॉग के बेसिक रूल इस्तेमाल करने पड़े। तो 3 4 रूल मैंने अभी आपको बता दिए लॉग, राइट। एक दो मेन कौन से बता है, बेस चेंज कैसा करते और माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो कैसा करते, डिवाइड रहेगा तो माइनस रहेगा तो डिवाइड में करते आता, डिवाइड रहेगा तो माइनस में करते आता, वगैरह वगैरह इस तरह से, राइट। तो हम प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी बेस चेंज कर दिया, बेस चेंज करेंगे तो जो है 3 डिवाइड हो गए, यहाँ पे पांच था तो 5 से डिवाइड हो गया, है ना। तो डिवाइड कर दिया तो लॉग बेस चेंज हो जाएगा। तो ये लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 माइनस लॉग ऑफ लॉग 3 ऑफ लॉग 5। अब ये लॉग 3 ऑफ लॉग 5 क्यों रखे वो देखते हैं। वैसे इसका नहीं करे बेस चेंज उन्होंने, क्यों नहीं करे देखते, क्यों नहीं करे, राइट, क्यों नहीं करे देखेंगे अपन। उन्होंने उसको वैसा रखा, हालांकि कर सकते इसका भी बेस चेंज कर सकते, पर क्यों नहीं करे देखते, राइट। उन्होंने नहीं किया, बहुत दिमाग लगा के नहीं किया। अब यहाँ से आगे, अब ये प्रॉब्लम हुआ, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हो। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स लिख रहे, प्रॉब्लम वैसा ही वैसा है ना। ये स्टेप हम लिखते हैं ना, जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव लेके क्या करेंगे वो हम लिख रहे हैं। तो देखो प्रॉब्लम वैसा के वैसा आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स ले रहे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 माइनस लॉग टू द बेस 3 लॉग 5, वैसा क्या वैसा प्रॉब्लम लिख दिया, सिर्फ डिवाइड बाई डेरिवेटिव ले रहे हैं ऐसा बता रहे, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, अभी सो 1 अपॉन लॉग 3, लॉग 3 कांस्टेंट है, नंबर है, तो वो सीधा सीधा बाहर आएगा। जैसा मैंने 2 मैंने बोला था 2 साइन एक्स, तो 2 सीधा बाहर आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट। सो ये कांस्टेंट है, लॉग 3 वैल्यू है एक, तो करके हम उसको नहीं ले रहे। तो ये देखो 1 अपॉन लॉग 3 ये वैसे ही आ गया बाहर, और किसका डेरिवेटिव लेने का, सिर्फ लॉग ऑफ लॉग एक्स, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, सिर्फ लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। 1 अपॉन लॉग 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस साइन वैसे ही आ गया। अब यू माइनस वी है तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, बराबर। मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, माइनस लॉग टू द बेस 3 ऑफ लॉग 5, उसका डेरिवेटिव ले लिया, फाइन, वेरी गुड। अब आगे लॉग टू द बेस लॉग ऑफ 3 नीचे वैसे के वैसा आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग समझो यहाँ पे एक्स है, लॉग यू, लॉग यू इज 1 अपॉन यू, बट ये 1 अपॉन लॉग एक्स, और डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस, ये पूरी कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 3 5, ये सारे नंबर है, इसका लॉग क्या आएगा, 0.05, कुछ तो आएगा ऐसा, अपने को मालूम है, अब लॉग टेबल में अपन देखते हैं, तो ये नंबर आएगा, सारे नंबर का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसलिए वहाँ पे उन्होंने आगे कुछ किया नहीं, करके क्या करेंगे, वापस करने के बाद भी वो सारा एक कॉन्स्टेंट ही रहेगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, पर इधर कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होगा, यहाँ डेरिवेटिव लिया था कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम लिख रहे थे, डेरिवेटिव लिया तब 0 हुआ, है ना, डेरिवेटिव लिया तब 0 हुआ, नहीं तो बीच में कॉन्स्टेंट निकाल नहीं देने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, फाइन, ओके। नाउ जस्ट चेक, दिस इज 0, सो 1 अपॉन लॉग 3 इज दैट इज 1 अपॉन लॉग एक्स, भी वैसे आ गया, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, नाउ 1 अपॉन लॉग 3 इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, क्या आ गया आंसर, तीनों ऊपर न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लीकेशन एक साथ आ जाएगा, 1 × 1 × 1 इज 1 आ गया। नीचे पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, बाद में लॉग एक्स, फिर लॉग 3, मैं बोला था पहले न्यूमेरिकल नंबर, अरिथमेटिक अलजेब्रिक, राइट, तो एक्स लॉग एक्स लॉग 3, दिस इज व्हाट इज द आंसर, है ना, तो समझ में आ रहा है। चलो मैं ये बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने पड़ेगी, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, डेरिवेटिव लेने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का। देखो पहला क्या था, वापस ये समझना बहुत जरूरी है, कंपाउंड फंक्शन में, कंपाउंड फंक्शन में पहला क्या था, हम देख कंपाउंड फंक्शन ही रहे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये अभी आपको जो दिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड फंक्शन की, है ना, मैं ये लिख रहा हूं कंपाउंड फंक्शन, ये आपके पास होना ही चाहिए, तो आपको भी मालूम है ये होना चाहिए आपके पास, कंपाउंड फंक्शन में लिख रहा, राइट, ये कंपाउंड फंक्शन में लिख रहा, क्योंकि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो होना चाहिए, पढ़ाई करते, पढ़ाई में प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करते आनी चाहिए। ओके, ये इसमें सॉल्ट कितने हैं, जैसे मैं इधर लिखे थे ना, सॉल्ट और अनसॉल्ट, मुझे याद है। चलो जान दो, वो शायद मैंने इसमें लिखा था। चलो, कंपाउंड फंक्शन में हम एक टेबल बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपाउंड फंक्शन एक्सरसाइज कौन सा है, लेट्स सी, कौन सा एक्सरसाइज है ये? 1.1 है, राइट? है कि 1.1? देखो, ये इसका एक्सरसाइज 1.1 है 1.1, वेरी गुड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये नोटबुक में आपके होना चाहिए। ये 11th के बच्चे जो मेरे साथ थे उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ये यहाँ पे आ गया। अब ये आप करोगे, मैं नहीं, राइट? कंपाउंड फंक्शन का सॉल्व प्रॉब्लम्स और अनसॉल्व मतलब एक्सरसाइज। सॉल्व और अनसॉल्व, राइट? एक्सरसाइज जो भी है, और अनसॉल्व में भी दो दो रहते हैं, हम एक एक करके देखेंगे अनसॉल्व, राइट? अनसॉल्व में एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 1.1। चलो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व और अनसॉल्व इधर लेते हैं। मैं एक टेबल बना के दे देता हूँ आपको, तो आप हमेशा आपके पास में याद रहेगा। ऐसे करते हैं, चलो। सॉल्व क्वेश्चन वन, उसके बाद में ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये रहेगा तो फिर क्या होगी, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। और फटाफट ये सॉल्व में, कंपाउंड फंक्शन के सॉल्व में कितने प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? पांच और छह है, राइट? सिक्स क्वेश्चन, राइट? देखो सॉल्व वाले छह है क्या, ये देखो यहाँ पे, चौथा, पांचवा और छठा है कि छह? मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ लो थोड़ा सा इसको, छह है। ओके ओके, फाइन। अभी मेरे को हेल्प करो आप नवेद हेल्प करेगा और मतीन हेल्प करेगा। क्वेश्चन वन में कितने थे टोटल सॉल्व, क्वेश्चन वन की सॉल्व, क्वेश्चन वन के सॉल्व कितने थे? पांच थे, छह थे, छह थे, है ना? उसमें से मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, नवेद मेरा नाम है, इसमें से मेरे को कितने समझ में आए, पूरे के पूरे समझ में आए क्या? तो 6 out of 6, तो मेरे को समझ में आता कि मेरा पूरा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर टू में कितने थे, क्वेश्चन नंबर टू में 6 प्रॉब्लम थे, हुए कि मेरे को समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर थ्री में कितने, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री के भी कितने हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर टू में 6 थे, क्वेश्चन नंबर टू में कितने हैं, 5 है, तो मेरे को 5 के 5 समझ में आए क्या, आए कि नहीं आए? अगर नहीं आए तो फिर वहां 5 लिखूंगा मैं, अगर मेरे समझ में नहीं आया, ये 5 है, तो मेरा टोटल 5 है, 5 out of 4, 5 ऊपर मेरे को 4 ही समझ में आया, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा और इसको सर्कल करूंगा, तो मेरे समझ में आएगा एक कोई तो प्रॉब्लम है जो नहीं हुआ सॉल्व, राइट? और कब तब तक मैं उस पर देखते रहूंगा, तब तक ट्राई करते रहूंगा, तब तक वो 5 out of 5 नहीं होता। क्वेश्चन थ्री के कितने हैं, सर को पूछूंगा, जैसे आज आपने पूछा, 5वां प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा के दिखाया, सर से पूछना है अपने को। ये बनाना बहुत, ये 2 मिनट लगता है बनाने के लिए, ज्यादा नहीं, और ये अपने को टोटल प्लानिंग कराता है ना? क्वेश्चन थ्री के कितने है, देखो क्वेश्चन थ्री के 6 है ना, क्वेश्चन थ्री के भी 6 है, सारे के सारे प्रॉब्लम, क्यों, नंबर कितने प्रॉब्लम्स है, क्या है, 6 out of 6 हमको समझ में आनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन फोर का, 5 का, 6 का एक एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक एक ही है, राइट? और इसका भी एक एक ही, ये मेरे समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अनसॉल्व अनसॉल्व का भी ऐसे ही करना पड़ेगा आंसर। ये टेबल बहुत जरूरी है बनाना, हर चैप्टर का, हर इसका ऐसा एक बनेगा टेबल, ये एक हर एक पॉइंट का। अभी आपने ये 7 पॉइंट है बराबर, इसके
ये चैप्टर के 7 पॉइंट है। देखो पहला अपना अभी से कंपाउंड फंक्शन पहला खत्म हो रहा है। कंपाउंड फंक्शन में इतने प्रॉब्लम्स है अभी, फिर भी अनसॉल्व आपने लिखा नहीं। अनसॉल्व लिखेंगे, अनसॉल्व कितने है देखो, क्वेश्चन नंबर वन में कितने है, अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर वन में देखो, एक्सरसाइज 1.1 अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर वन में कितने है, 6 है, 2 में 18 है, 2 में 18 है ना, कितना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको, इसमें 6 है, 2 में 18 है, कितने प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स है, 2 में 18 है, करना पड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, 18 मतलब 18, 18 के 18 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मैथ्स ये ऐसा पेपर है तुमको 100 में से 100 मिला के देकर जाएगा पेपर, है ना, और इसमें अगर तुमको 70-80 मिल गए तो तुमको बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, 40-40 मार्क मिले तो अपने को परसेंटेज जो मिल जाता है, जो परसेंटेज की अपने को जरूरत है ना, तो एक सब्जेक्ट भी ऐसा करो जो आपके 100 के करीब करीब पहुंचे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट ऐसा करो कि जो आपको 100 के करीब लेकर चले जाए, बिल्कुल 100 के करीब लेकर चले जाए, एकदम सिक्सर मार देने का उसमें, तो इसमें मैथमेटिक्स में आसानी से मिलते हैं 100 मार्क्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो तीसरा, तीसरे के कितने हैं और प्रैक्टिस अपने पास है, ये तो तुम अभी घर पे सॉल्व किया, देखो ये वाला प्रॉब्लम घर पे सॉल्व कर सकते हो, प्लस है थ्रू, देखो तीसरा वाला, तीसरा वाला पूरा एक्सरसाइज तुम कर सकते हो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तीसरा वाला पूरा आप कर सकते हो, राइट। और जो समझ में नहीं आ गया वो मेरे को कुछ नहीं कहा, है ना, वैसे ही करते हैं हम लोग, जो बाकी बच्चे को जो जानते हैं, देखो 14 हो गए तीसरे के, मैं सारा लिख रहा हूँ, ये 20 है तीसरे के, देखो 20 प्रॉब्लम, ऐसा आप बनाओगे टेबल, और टेबल बना के है ना, ये 20 है, आप टेबल बनाओगे और 20 में से कितने सॉल्व हुए, 6 में से कितने हुए सॉल्व, है ना, ये क्वेश्चन वन ये इधर लिखना है, राइट, और क्वेश्चन ये कितने क्वेश्चन है इसके भी सॉल्व, जितने रहेंगे उतने यहाँ पे लिखने, अनसॉल्व एक्सरसाइज बोलो, अनसॉल्व बोलो, राइट, दिस इज वॉट इज दी इम्पोर्टेंट, इसमें से कितने हुए, 6 में से 6 हुए क्या पूरा, जब हो जाएगा अब टोटल देखो कितने प्रॉब्लम, सिर्फ कंपाउंड फंक्शन के कितने प्रॉब्लम है, देखो आपकी समझ में आ रही होगी, अगर आप टोटल करेंगे तो 100 प्रॉब्लम है करीब करीब, ये 20-20-40 इधर ही हो गए, और ये 20 है ना, तो 60 हो गए, अभी और बाकी है ना, इसके आगे आगे और बाकी है, तो 100 प्रॉब्लम सिर्फ कंपाउंड फंक्शन के, और हमको सॉल्व करने के लिए आसानी से 100 प्रॉब्लम, और इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं आना चाहिए, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे, देखो 8 है, 8 फंक्शन, 8 क्वेश्चन थे, तब जाके ये मेरा कंपाउंड फंक्शन खत्म हो रहा है, 8 क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन और वो 6 क्वेश्चन मेरे पूरे होने चाहिए, तब जाके मेरा ये कंप्लीट हुआ, फाइन। तो आप ये करो, एक्सरसाइज शुरू करो, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैं बोला नहीं इधर ही, एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने उसके जैसे प्रॉब्लम्स मैंने बहुत सारे बता दिया है, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, देखो दिस इज द वेरी सिंपल, ये तो मुझे ओरली सॉल्व करते आना चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम ओरली सॉल्व करना चाहिए, 5 ब्रैकेट में 3x² - 2 खत्म हो गया, देखो 5 ब्रैकेट में 3x² - 2 1 का डेरिवेटिव 0 2x का हो गया खत्म, हाँ, तो ये करते आना चाहिए, ये 1/ इसका भी ओरली मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देखो 1/2√u 1/√√x² + 4x - 7 (2x + 4) जवाब खत्म, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये एक्सरसाइज है छोटे छोटे, आपको सॉल्व करके दिख रहा बड़ा जैसा ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज, मैं कॉन्फिडेंट इतना इतना स्लोली इतना आराम से मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका पहला एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे मैं यकीन के साथ बोलता हूँ पूरी किताब आप अपने आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने पैरों पे मैथमेटिक्स के लिए खड़ा कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जैसी आसान चीज ही नहीं है, फिजिक्स शायद थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है डिटेल, ये सारा ऊपर के नीचे ऊपर से नीचे जाओ, एक स्टेप उतरते जाओ चढ़ते जाओ उतरते जाओ चढ़ते जाओ, सिर्फ स्टेप उतरते वक्त चढ़ते वक्त सिर्फ ये ख्याल रखना है कि पैर बराबर स्टेप पे गिर रहा है, रूल के हिसाब से चलेगा, मैथ्स के रूल के हिसाब से चलेगा, खत्म, सिंपलेस्ट, मैंने आज तक जितने भी 25-26 यू आर नाउ 27th बैच, 27 साल से ये पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, 27 बैच हो गए, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में मिलते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्यों नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, हाँ मैथमेटिक्स को जरूरत होती है, मैथमेटिक्स का खाना है, मैथमेटिक्स जिंदा रहेगा अगर उसको खिलाए तो, खिलाने के लिए उसको क्या है, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली है, रोज प्रैक्टिस अगर करेंगे, ये है ही वैसे सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स का फिर आगे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स आए तो फिजिक्स आता है, मतलब ये दो सब्जेक्ट ऐसे है कि जिसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो हम लोग अभी मैंने वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, बाकी आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, चौथा वाला मैं ये वाले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बेस चेंज वाले, ये सब सारे बेस चेंज वाले, तो बेस चेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो,
मैं चौथा प्रॉब्लम, चौथा पांचवा छठा जो एक एक प्रॉब्लम है जो अलग है मैं वो सॉल्व करता हूँ, वो आपको बताता हूँ, राइट। सो लेट अस मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ योर बुक, दैट इज एग्जाम्पल फोर विच इज सॉल्व। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है, एक्चुअली डेरिवेटिव ही है पर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखा है, नंबर नहीं लिखा, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखा उन्होंने, हम अभी तक डी वाई बाई डी एक्स में लिख के आए, अभी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख रहा है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं, डरने का नहीं, लिखने का तरीका बदला और कुछ भी नहीं बदला है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखा, नहीं डी वाई बाई डी एक्स की नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो वाई की जगह पे क्या लिखा, ये याद रख, ये लिख लो कहीं तो भी, वाई की जगह पे क्या लिखा, y मतलब फंक्शन, y की जगह पे f ऑफ x, dy by dx मतलब, dy by dx मतलब f dash of x, f dash of x, राइट। और dy by dx निकालने के बाद उसकी कीमत कुछ सब्सिट्यूट की है ना, तो फिर g ऑफ x होगा, जैसे ये यहाँ पे दिया f डैश ऑफ 3 आ गया, राइट। अब वो क्या है वो देखेंगे आप, f डैश ऑफ 3 वगैरह क्या है वो देखेंगे, राइट। हाँ पर ये मतलब समझ लो पहले, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं मतलब क्या, y लिखते हैं, और f डैश x लिखते हैं मतलब क्या, dy by dx लिखते हैं, समझ में आ गया, मुझे लगता है बहुत सिंपल है, दिस इज सिंपल, राइट। ओनली ओनली लिखने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है, y इज y मतलब f ऑफ x, dy by dx इज इक्वल टू f डैश x, समझ में आया, ओके फाइन लेट्स मूव। नाउ गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स की कीमत कितनी गिरी, 7 जी ऑफ एक्स, और एक फंक्शन दिया, मतलब यहाँ पे वाई एक दिया है और जी एक दिया है, तो एक दो फंक्शन दिए उन्होंने, वाई इज इक्वल टू ऐसा दिया उन्होंने, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल है ना, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और जी इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा दो फंक्शन दिए एक ही इसमें, y is equal to sin x और cos x, ऐसे दो फंक्शन दे दिए, राइट। ऐसा है, चलो देखते हैं, सिंपल है बहुत, वैसा ये नहीं है, सिर्फ समझना चाहिए, ये आज समझ में आ जाना चाहिए, मोर इज अंडरस्टैंड, राइट। एफ ऑफ एक्स की कीमत दी अंडर रूट 7 जी ऑफ एक्स माइनस 3, मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 cos x माइनस 3, ऐसा ऐसा समझे, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कैसा लिख रहे हो, एफ ऑफ एक्स में y और x में नहीं लिख रहे, एफ ऑफ एक्स में और जी ऑफ एक्स में लिख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू ऐसा ही है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये अपने को ब्रैकेट में लगता है तो थोड़ा एफ ऑफ एक्स को जगह पे अपने को ऐसी आदत डाल देने की y दिखने मांगता है, एफ ऑफ एक्स दिखना y मांगता, कब तक, जब तक ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, y y इज इक्वल टू ऐसे कुछ तो है, चलो डिफरेंशिएट करिए, देखो मैंने बोला था dy by dx मतलब क्या, f डैश x बराबर है क्या, एफ डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे, लिखना है ना, पहले वैसे के वैसे लिख देते हैं हम, सो dy by dx इज इक्वल टू ddx ऑफ, वो जो दिया है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ओके। सो dy by dx नहीं लिखने का, क्या लिखने का, f dash x लिखने का, f dash x is equal to d dx ही लिखने का, देखो यहाँ पे उन्होंने नहीं कुछ चेंज किया, ऐसे ही लिखते ना, is equal to d dx of, और जो निकालना है क्वेश्चन जो है वो लिख दिया ब्रैकेट में अंडर रूट 7 g of x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी क्या देखो रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट यू, 1 अपॉन 2 रूट यू आ गया, देखो अभी आ गया ना, कुछ भी नहीं फर्क नहीं, वैसे कि 1 अपॉन 2 रूट 7 g of x माइनस 3 कोई फर्क नहीं है, लिखने का तरीका ओनली अलग, That's it. उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते है ना, हाँ तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 7 जी ऑफ एक्स माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ 7 जी ऑफ एक्स माइनस 3, अब यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, अब आगे ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, अब मैंने बोला जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश ऑफ एक्स, तो देखो ये डेरिवेटिव 7 कॉन्स्टेंट है वैसे ही आ गया, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स, देखो है ना, वो फंक्शन क्या है मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, जब कुछ भी हो सकता है तो उसका डेरिवेटिव सिंबल है तो सिंबल ही लिखेंगे, एफ का डेरिवेटिव क्या, एफ डैश, जी का डेरिवेटिव क्या, जी डैश, टी का डेरिवेटिव क्या, टी डैश एक्स, बस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं जी डैश, ये और आसान है ना, देखो डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, जो है उसका डायरेक्ट डैश लिख दो, तो 7 जी डैश एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो चला गया माइनस 0, तो देखो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में 7 जी ऑफ जी डैश ऑफ एक्स बचा, नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर हो गया 7 जी डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 2 रूट 7 जी ऑफ एक्स माइनस 3, सिंपल वैसे की वैसे लिख दिया, अब उन्होंने ये कीमतें दिए अपने को, वो बोले ये पुट करो, कौन से पुट करो, या आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया,
जी ऑफ थ्री दिया, जी डैश ऑफ थ्री दिया और एफ डैश थ्री निकालने के लिए बोला मेरे को। तो एफ डैश थ्री मतलब एक्स की कीमत कितनी डालनी की, अभी एक्स की कीमत थ्री डालनी की, तो एक्स की कीमत थ्री डाल देखो, फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एफ डैश ऑफ थ्री ये जो दे रहे हैं ना इसका मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखे एक्चुअली है क्या एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ थ्री लिखा मतलब डेरिवेटिव निकालो और तीन पुट करो, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ थ्री इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है मतलब एफ डैश ऑफ थ्री, एफ डैश डेरिवेटिव निकालो और एक्स की जगह पे तीन डालो, एक्स की जगह पे तीन डालो, ये मतलब हुआ सिंपल राइट। सो एफ डैश ऑफ थ्री इज इक्वल टू सेवन जी डैश ऑफ थ्री, हर एक्स की जगह पे थ्री सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सेवन जी डैश ऑफ थ्री अपॉन टू सेवन जी ऑफ थ्री माइनस थ्री। अब एफ डैश ऑफ थ्री निकालना है, सेवन वैसे ही लिख दिया, सेवन वैसे ही लिख दिया, जी डैश ऑफ थ्री की कीमत कितनी दी है उन्होंने, गिवन है फाइव, सो सेवन इंटू फाइव ये फाइव है, दिस इज फाइव राइट, सॉरी जी ऑफ थ्री, जी डैश ऑफ थ्री की कीमत कितनी है फाइव है, जी डैश ऑफ थ्री की कीमत फाइव दी है उन्होंने, सो सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव अपॉन टू सेवन इंटू जी ऑफ थ्री की कीमत कितनी दी है, जी ऑफ थ्री की कीमत, जी ऑफ थ्री की कीमत फोर दी है राइट, सो सेवन इंटू फोर, सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट माइनस थ्री दिस इज ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव का रूट लिया, ट्वेंटी फाइव का रूट लिया, ट्वेंटी फाइव का रूट आ गया फाइव, सो टू इंटू फाइव ऊपर आ गया थर्टी फाइव, नीचे आ गया टू इंटू फाइव, सो दैट इज सेवन बाय पाँच चला जाएगा सेवन बाय टू राइट। सो आंसर कितना आ गया, एफ डैश ऑफ थ्री का आंसर कितना आया, सेवन अपॉन टू, उन्होंने सेवन अपॉन ये पूछा। देखो मुझे लगता है ये और आसान है लिखने का स्टाइल, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्ट है। हाँ सॉल्व नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट है, और सॉल्व करके मेरी वापस बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीडीएफ बनाओ मुझे भेजो, पीडीएफ बनाओ मुझे भेजो, नवेद नवेद अपना तो ये तो जाने आपकी राइट, नवेद तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आपने बायोलॉजी छोड़ दिया है, तो आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलाना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस फॉर यू राइट, आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 टाइम्स यू हैव टू वर्क हार्ड राइट, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बिफोर एनीबॉडी एल्स, बिफोर एनीबॉडी एल्स राइट। हाँ अपने को आईआईटी क्रैक करने का है ना, अपना टारगेट वो है, साल भर ऐसी मेहनत करने की इंशाल्लाह, अपने को आईआईटी नीट है ना, एमबीबीएस फार्मेसी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस का है, जितने भी बच्चे हैं 25 बच्चे जो क्लास में हैं उसको 25 को 25 को अपने को इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ले जाके छोड़ना है ना, ये नीयत लेके हम लोग निकले, और रमज़ान का महीना आ रहा हूँ, मेहनत अल्लाह ताला भी देखता है ना, पूरी अच्छी नीयत से रमज़ान में मेरा बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला, और नीयत वो करनी है अल्लाह, ये मेरी क्या दुआ है बहुत अच्छी, वो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया वा रिज़्कन वासिया वा शिफ़ान मिन कुल्ली दा, अल्लाह ताला मुझे नफे वाला इल्म अता फरमा है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया रिज़्कन वासिया अल्लाह जिक्र वाला, और मेरी रोजी रोटी भी बरकत वाली रोजी रोटी अता फरमा। तो देखो है ना रमजान का महीना है, दुआएं भी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये चौथा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मुझे वो सारे के सारे सॉल्व करके बताने हैं, फोर्थ वन इज डन, लेट्स मूव, टू द नेक्स्ट, द फिफ्थ वन अगेन वही है, सिर्फ अभी सिंबल लिखने का तीसरा तरीका, ये लिखने का तीसरा तरीका, कैपिटल में लिख रहे, कैपिटल में लिख रहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ थ्री जी ऑफ फाइव जी ऑफ, ऐसा कुछ तो है लंबा लंबा है ना, तो फिर वापस वही है, लिखने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। अब ये लिखने का तरीका जो है ना, उन्होंने ना एक टेबल में बताया था, जो टेबल में बोला नहीं कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक टेबल उन्होंने दिया था यहाँ पर प्रीवियस पेज में, एक टेबल उन्होंने दिया था, ये देखो ये वाला एफ डैश एक्स एक डबल डैश एक्स, डबल डैश मतलब दो बार डेरिवेटिव ले रहे है ना, ये उन्होंने दिखाया था, देखो एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला, ये टेबल अपन वापस एक बार देखेंगे, ये काम आएगा अपने को कंपोजिट फंक्शन के लिए राइट, तो ये देखते हैं वापस, पर अभी वहाँ नहीं जाते वापस, वो जो नया लिखने का तरीका है कैपिटल वाला, अच्छा इसका मतलब अलग अलग है थोड़ा सा, कैपिटल का और स्मॉल का मतलब अलग है, वो स्मॉल का मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा राइट, पहले वो समझ लें हम उसको क्या है, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम राइट, गिवन क्या है देख लो, थोड़ा सा ध्यान दे क्या, गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ थ्री जी ऑफ फाइव जी ऑफ एक्स, अरे कुछ दिया है वाई इज इक्वल टू, कुछ दिया है उन्होंने है ना, जी ऑफ फंक्शन ऑफ काय का साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन एक्स, ऐसा है प्रॉब्लम, ऐसा लिख सकते हैं आप, देखो वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ ब्रैकेट में कॉस ऑफ, फिर ब्रैकेट में
टेन एक्स, ये वो उन्होंने कैपिटल में लिख दिया। देखो है कि नहीं ऐसे, ये प्रॉब्लम है ऐसे समझो। तो क्या हो गया, ये एफ बराबर है क्या, एफ ऑफ एक्स ये इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फिर ये फिर वापस जी जी ऐसा साइन ऑफ साइन ऑफ ऐसा लिखा उन्होंने, है ना। मैंने तो तीन अलग अलग लिख दिए, वो तीनों एक ही है, साइन ऑफ एक्स ऐसा। ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम को अगर मेरे को लिखना है तो क्या होगा, जी ऑफ ब्रैकेट में थ्री थ्री साइन ऑफ इंटू ब्रैकेट में फाइव साइन ऑफ। अरे समझ में आ रहा है, सिंपल लिखो क्यों ऐसा, पूरा प्रॉब्लम लिखो, एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थ्री साइन ऑफ ब्रैकेट में फाइव साइन एक्स, फाइव साइन एक्स, मैं उधर लिखता हूँ फाइव साइन एक्स, राइट। ये प्रॉब्लम मैं वापस लिखता हूँ, राइट, ये चीज मैं वापस लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट में करली ब्रैकेट उन्होंने निकाला, मैं भी करली ब्रैकेट निकालता हूँ, थ्री ऑफ साइन ऑफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फाइव ऑफ साइन एक्स। ये अपना ओरिजिनल प्रॉब्लम हो गया, और ये प्रॉब्लम को उन्होंने सिर्फ एफ और जी के फॉर्म में लिखा है, बस बाकी कुछ नहीं है, और ये दो ब्रैकेट कंप्लीट। ये देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ थ्री साइन ऑफ फाइव साइन एक्स, और उसको कंप्लीट, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और इसको ज्यादा सोचने की जरूरत क्यों नहीं है, आसान क्यों है, क्योंकि अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ता, अपने को थोड़ी निकालना है जी का डेरिवेटिव निकालना नहीं। चलो शुरू करते हैं, तो देखेंगे एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ का डेरिवेटिव